ये देखिए DDLJ का सिमरन अपने राज के साथ भागना चाहती है, इसलिए इसको कैद करके रखा है। प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी बाबूजी। तो गाइस अभी सिमरन का आवाज़ सुन के मेरा दिल पिघल गया है, दिल पे पत्थर रखे अभी इसको छोड़ने जा रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा आंसू भी निकल रहा है मेरे आँख से, पर क्या करें, छोड़ना पड़ेगा। जा लो सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, निकल। कल आपने देखा था कि मैंने सिमरन को छोड़ के आया था, लेकिन आज ये दोनों जेल में हैं, सिमरन और राज, क्योंकि कल ये लोग बिना हेलमेट, बिना फेस वॉश और बिना बाइक के चल रहे थे। तो सलमान भाई ने इन लोग को देख लिया फुटपाथ पे, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने ही वाला था कि ये लोग बच गए और इनको पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया है। मैं कल रात रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बहुत बदतमीजी की। I'm sorry. क्या क्या कहा आपने? I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। A few moments later. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जेल का दरवाज़ा टूटा हुआ है, शायद राज फिर से भागा ले गया है जेल तोड़ के सिमरन को। हम लोग को डाउट है शायद ये लोग बेगनाड़ी का टुसू मेला में गए होंगे, वहाँ पे बादाम चने खा रहे होंगे। तो चलिए उधर ही जाते हैं उन लोगों को ढूंढने। इस सज्जन व्यक्ति को पूछ के देखते हैं, एक्सक्यूज मी सर, अप्रैल के बाद क्या आता है? क्या आपने दो चूहे जैसे इंसानों को देखा है क्या? दिखने में चूहे जैसे थे, बोलने में इंसान जैसे। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़ा घूस देना पड़ेगा, आई मीन इसको थोड़ा पत्ता खिलाना पड़ेगा, तभी जाके ये बोलेगा। हेलो सर, नहीं देखा? गजब बेइज्जती है यार। तो गाइस ये हम टुसो मेला पहुंच चुके हैं, अभी ढूंढते हैं है कि नहीं, किसी से पूछ लेते हैं उन दोनों का पता। भाई साहब आपने देखा है क्या दो चूहे जैसे इंसान को? नहीं भाई, हमने तो कभी नहीं देखा। हम मेला वेला में आए होंगे तो पता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जाके ढूंढते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे हम ढूंढ रहा है तो चूहे को, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं आज।